दरअसल मैं वो बात ये है कि मैं अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। डैड जरूर घबरा गए होंगे। मुझे लगा ये अच्छा आइडिया होगा। सुनो मॉम, वो क्यूशू वाले अंकल का नाम क्या है? हेसुकी यमाड़ा। मैं मॉम से उनका नाम पूछने गया था। चलो अब मैं उनको बुलाता हूँ। क्यूशू के अंकल हेसुकी यमाड़ा। अंकल। नोबिता, ये क्या हो रहा है? पर अंकल, आपका ये कैसा स्टाइल है? नहीं, जब मैं वापस घर आया, कपड़े बदल रहा था, जब तुमने उनको बुलाया तो वो किसी और ही सिचुएशन में थे। अच्छा, चलो अंकल नीचे उतरिए। अरे वो प्लेट के नीचे नहीं उतर सकते। क्या? अंकल आप हमेशा कुछ देते हैं ना, जैसे पॉकेट मनी। इन कपड़ों में उनके पास पर्स कैसे हो सकता है? बुला लूंगा अंकल। अरे ये तो रुक गया। एक बार में बस एक राउंड होता है। अरे नहीं। नोबिता, क्या तुम इसे मेल बॉक्स में पोस्ट कर दोगे? हाँ, पर आप इतने सारे पोस्ट क्यों कर रही है? ये रीयूनियन के लिए है बेटा। अच्छा, लेकिन बाहर तो बहुत ठंड है। आइडिया। मॉम आप वहाँ खड़ी हो जाइए और इंतजार कीजिए। बस देखते रहिए। मिस हारू को अकागावा, मिस नत्सु को चिराई, मिस अकी को कुरानो, मिस कुयोमी मिदोरी कवा, मिस हरुना चकवा, मिस सुयो को आओ। हाय, हमको तो बिल्कुल नहीं बनती। हाँ, तुम भी बहुत समय बाद मिल रहे हैं। हाँ, तुम पतली हो गई हो। थैंक यू जोरी, तुम कैसी हो? तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है, बाय। अब मुझे रियूनियन की कोई जरूरत नहीं है। नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म किया? वो मैं अभी करता हूँ मॉम। इसके साथ मत खेलो, अपना होमवर्क जल्दी से खत्म करो, समझे? हाँ समझ गया मॉम। होमवर्क। आइडिया, मैं अपना होमवर्क पूरा करने के लिए शिजुका को बुलाता हूँ। एक ही राउंड में मैं उसकी नोटबुक देख सकता हूँ। मेरा नाम शिजुका है, बोलो क्या काम है? मेरा नाम शिजुका है। शिजुका मारोई। शहर की सारी शिजुका नाम की लड़कियाँ यहाँ आ रही है, कुछ करो। मेरा नाम शिजुका है। रुको रुको रुको। बाय 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 बाय। अब तुम्हें उसका पूरा नाम बोलना चाहिए। समझ गया डोरेमोन। मिनामोतो शिजुका। मैंने शिजुका को गलत टाइम पे बुला लिया। क्या तुम किसी बच्चे को जानते हो जो होमवर्क बता सके? हाँ, डेगी सुकी है। ठीक है, डेगी सुकी ही तो शी। डेगी सुकी, अपनी होमवर्क की नोटबुक दिखाओ ना प्लीज। होमवर्क? हाँ, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। हाँ ठीक है। देखो, ये एक क्वेश्चन है जिसमें एक एंगल है जो राइट एंगल है, जिसकी हाइट है 23 मीटर्स, और फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये हो गया, आंसर मिल गया। अरे थोड़ा और समझाओ। पर मुझे होमवर्क के लिए किसी की हेल्प चाहिए। फेरा वो इंसान आ जाए जो नोबिता को मोटिवेट करे। ऐसा इंसान कौन है डोरेमोन? ये कौन सी जगह है? आपको अचानक बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप नोबिता को मोटिवेट करें ताकि वो होमवर्क कर सके। प्लीज। मैं समझ गई। जो बहुत मेहनत करते हैं, मैं उन लोगों के साथ हमेशा हूँ। बाय बाय। बाय बाय। डोरेमोन, मैं इतना खुश हूँ कि मैं होमवर्क नहीं कर सकता। हाँ, ये तरीका भी काम नहीं आया है ना नोबिता? हाँ, ये क्या, सिर्फ दो चांसेस बच गए डोरेमोन। ठीक है, मैं क्यूसू वाले अंकल यमाड़ा को बुलाता हूँ। क्या उन्हें दोबारा बुलाओगे? तुमने ये गैजेट उनको बुलाने के लिए बाहर निकाला था ना। क्यूसू के अंकल हाइसुके यमाड़ा। बस जल्दी आ जाए, मुझे पॉकेट मनी मिलेगी, पॉकेट मनी मिलेगी। हाय, कोई मुझे बताएगा मैं कहाँ पर हूँ? चांद बाहर आ गया। देखो अंकल जूस पी रहे हैं। अंकल मेरी पॉकेट मनी दीजिए ना प्लीज। बाहर मेरी पॉकेट मनी। ओह, तुम्हें पॉकेट मनी भी नहीं मिली,
तुमने होमवर्क भी पूरा नहीं किया। तुम अपने पसंदीदा इंसान से इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। इस सब में सिर्फ एक ही अच्छी चीज हुई और वो है कि हम सुबासा से मिल सके, है ना डोरेमोन? हाँ हाँ, मिचान को देखकर अच्छा लगा। तुमने एक चांस वेस्ट कर दिया डोरेमोन। क्या कहा तुमने? मैंने चांस वेस्ट किया? हाँ ठीक है, अब आखिरी बार मैं सुबासा को फिर से बुलाऊंगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। नहीं नहीं, तुम उसे नहीं बुला सकते, वो बहुत बिजी है। बार बार बुलाओगे तो परेशानी होगी उसे, ये गलत है। पर डोरेमोन एक आखिरी बार प्लीज। नहीं बुला सकते। इसका मतलब ये है कि तुम्हें सुबासा पसंद नहीं है। सुबासा सबके लिए है, समझे? फिर मुझे भी उसको बुलाने का पूरा हक है डोरेमोन। तुमने तो मुझे ही बुला लिया। मैंने आखिरी वाले चांस में डोरेमोन को ही बुला दिया। अरे नोबिता, अभी तक खेल रहे हो? डोरेमोन, तुम दोनों क्या मजे कर रहे हो? नहीं, मुझे इसके साथ नोबिता, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? मैं कितनी परेशान हो गई थी। मैं समझ गया हूँ। आपने सही कहा, मैंने सच में गलती की थी, मुझे माफ कर दीजिए। आपसे वादा करता हूँ कि अब ऐसा नहीं करूँगा। आपका शुक्रिया मॉम। क्या अब मैं जाऊँ? चलो चले डोरेमोन। नोबिता सुनो, तुमने वादा किया था, अब जल्दी से अपना वो ड्रीम टूल निकालो। ठीक है, अभी निकालता हूँ नोबिता। ड्रीम टूल मशीन। पर इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं डोरेमोन? तुम्हें इसमें कैसेट डालनी होगी, फिर तुम सपना देख सकते हो। इनमें से कोई भी कैसेट चुन लो। अरे वाह, ये सब तो देखने में मजेदार लगती है। मैं इनमें से कौन सी कैसेट चुनूं? मेरे ख्याल से सुपर हीरो की कैसेट बढ़िया रहेगी। इस कैसेट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है नोबिता? मुझे तो लगता है ये कैसेट छोटे बच्चों के लिए है, इसीलिए तो मैंने ये कैसेट चुनी थी नोबिता। ये कुछ ज्यादा बढ़िया लग रही है। कौन सी? जुरासिक प्लैनेट। चलो हम पहले इसका ट्रेलर देख लेते हैं नोबिता। हाँ, और अब आपके सामने पेश है जुरासिक प्लैनेट। हाँ, ये मजेदार लग रही है। वैज्ञानिकों को ले जा रहा स्पेसशिप एक एस्ट्रॉइड से टकरा गया है। इंजन ने काम करना बंद कर दिया है, इसका कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा। जरा रुको, इनके चेहरे क्यों नहीं बनाए गए? ताकि देखने वाला खुद फैसला कर सके कि इनके चेहरे कैसे होने चाहिए। तुम इन बटन्स की मदद से जैसा चाहो वैसा चेहरा बना सकते हो नोबिता। हाँ, ये तो बढ़िया है। स्पेसशिप एक ऐसे ग्रह पर जा रहा है जिसका कोई नाम नहीं है, और ऐसा लगता है वहाँ इसका इंतजार किया जा रहा है। ये विशाल डायनासोर की दुनिया है। घबराओ मत, हम तीनों एक साथ अपनी ताकत इस्तेमाल करेंगे और जीतेंगे। एक के बाद एक चुनौतियाँ उनकी ताकत का इम्तिहान लेंगी। एक ऐसा रोमांचक सफर जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगा। एक शानदार कारनामा। क्या ये नौजवान कल का सूरज देख पाएंगे? आप एक हीरो हैं। व्हाइट हीट क्लाइमेक्स की ये चुनौती देखिए इस शानदार फिल्म जुरासिक प्लैनेट में। ये कितना मजेदार था ना? बहुत ही मजेदार। लेकिन इस गेम में कोई लड़की क्यों नहीं है? यहाँ पर लिखा है कि इसमें सिर्फ तीन ही कैरेक्टर्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं। मुझे कोई ऐसा सीन चाहिए जिसमें मैं शिजुका को बचाऊं। तुम्हें हमेशा ऐसी ही चीजें चाहिए होती हैं। हाँ? लेकिन मुझे जो पसंद होगा मैं उसी को चुनूंगा। ओके, तो एटलांटिस कैसा रहेगा? ये बहुत ही मशहूर कहानी है। आखिरी दिन जब एटलांटिस समुद्र में डूब रहा होता है तो राजकुमारी को बचाने के लिए कहानी का हीरो फौरन वहाँ पहुँच जाता है। तो मैं यही सपना चुन रहा हूँ। क्या तुम ट्रेलर नहीं देखना चाहोगे? नहीं, कोई बात नहीं। क्या इस तरह सीधे कहानी में जाना ठीक रहेगा? मैं राजकुमारी को बचाऊंगा, कितना मजा आएगा। ओके, मैं एंटीना लगा देता हूँ। एंटीना? हाँ, ये एंटीना गैजेट से निकलने वाली वेव्स को पकड़ेगा। अब ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। लेकिन इसमें कैरेक्टर्स कौन से होंगे नोबिता? मैं हीरो बनूंगा, शिजुका राजकुमारी बनेगी और बाकी सब तुम सोच लो। नोबिता, अरे ये क्या, ये तो इतनी जल्दी सो गया। नोबिता ने सपना देखना शुरू कर दिया है। ठीक है, मैं एक चरवाहा हूँ और शिजुका उस खूबसूरत महल में रहती है।
और जल्दी ही किस्मत हम दोनों को एक साथ ले आएगी। सपने की शुरुआत कितनी शानदार हुई है। एक मिनट रुको नोबिता। हाँ? क्यों, क्या हुआ डोरेमोन? इस मशीन के जरिए मैं आसानी से सपने में तुमसे बात कर सकता हूँ। बात यह है कि जल्दी सुबह होने वाली है। क्या इतनी जल्दी सुबह? क्या तुम कैसेट को फॉरवर्ड करके मुझे कुछ मजेदार चीजें दिखा सकते हो? दिखाता हूँ।